भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ महानगर कमेटी द्वारा छात्र संघ चौराहे स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत एवं सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से देश की तस्वीर तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों द्वारा समाज हित और राष्ट्र हित के किए जा रहे कार्यों की सराहना करता हूं। इस अवसर पर तमकुही राज के विधायक डॉक्टर असीम कुमार, घनघटा के विधायक गणेश चौहान, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर वाई सिंह, चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर अमित सिंह, त्रिनेत डॉक्टर आर पी शुक्ला, डॉक्टर शिवशंकर शाही, डॉक्टर एस सी कौशिक, दिनेश चंद, डॉक्टर ए के राय, डॉक्टर संजीव सिंह, सुनील चंद्रा, डॉक्टर नितिन मिश्रा, डॉक्टर अमित सिंह सहित अन्य डॉक्टर एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित सदस्य विधान परिषद एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, मैं सभा में आए हुए सभी सदस्यों का के राय है, चल रहे हैं, डॉक्टर मुख्यनाथ हैं, मेयर सुखना है, डॉक्टर सिंह हैं, एक से ज़्यादा मीटिंग है, इसके अलावा भी जिनको मैं सुनना चाह रहा हूँ या नहीं करना चाह रहा हूँ, सुमति वाली, आशुतोष पांडे, चंदन शर्मा, अजय मणि त्रिपाठी, अनस आदि, आगे बढ़ाते हैं। हमारे आई एम ए अध्यक्ष डॉक्टर एस सी कौशिक, डॉक्टर सुशील चंद्रा, डॉक्टर ए के राय, डॉक्टर धीरेन्द्र, सीरियल महाभारत जब देखा तो उसमें एक से एक योद्धा, लेकिन उसमें सबसे पहले जो समय का चक्र चलता है वो कहता है कि मैं समय हूँ, और समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। चिकित्सक जो ईश्वर का दूसरा रूप है, आपके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक एक मिनट का समय इस सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय काम करने वाला, और उसमें से इतने लंबे समय से आप आकर के इस कार्यक्रम में हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और मैं डॉक्टर वाई सिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैंने मना किया था, मैं जहां बुलाएंगे वहां चाय पर मैं आ जाऊंगा। आप सबके समय का बहुत महत्वपूर्ण, एक एक मिनट का बहुत महत्व होता है, फिर भी मुझे लगा कि कहीं लंबा ना चल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पेशेंट आए होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, तो अच्छा है कि जल्दी से मुझे आमंत्रित कर लिया। मैं आप सबका किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, मैं आपके बीच का हूं, और कई लोगों ने कहा कि नित नई ऊंचाई, तो अटल जी ने सच में कहा है
कि हे प्रभु कभी मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि अपने को गले न लगा सकूं, इसलिए हमेशा आपके बीच में बना रहूं, आपके बीच में काम करता रहूं। जी चौहान जी को हमारे पर चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे गोरखपुर महानगर के संयोजक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वाई सिंह जी ने गोरखपुर महानगर के प्रमुख चिकित्सकों के साथ एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया था और मैं यहाँ आकर के पूरे गोरखपुर महानगर के प्रमुख प्रसिद्ध चिकित्सक यहाँ थे। मैंने भी इन लोगों के बीच में रह करके लंबे समय तक काम किया है और आज इन लोगों के आयोजन में भागीदार बना। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आभारी हूँ कि मुझे दायित्व मिला है और चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से जो आज आयोजन हुआ है, हमारे सभी गोरखपुर महानगर के प्रमुख चिकित्सक यहाँ भागीदार रहे हैं। हम सब लोग लगातार मिल करके योगी जी के नेतृत्व में यहाँ हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने हिस्सेदारी की है और आगे भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्तर प्रदेश का नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर जो बन रहा है उसमें हम सब भागीदार बनेंगे। इसी योजना के तहत यहाँ हम सब बैठे थे। ये एक स्वागत का कार्यक्रम नहीं, एक मिलने जुलने का परिचयात्मक कार्यक्रम था। अपने चिकित्सक मित्रों से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई।